पिछले वर्ष मैं आपको बता दूं कहानी की पृष्ठभूमि, पहले भी आपने कवर किया था, तो वेब सीरीज कंपनी के निर्माता एकता कपूर और शोभा कपूर ने एक ऐसा घटिया वेब सीरीज 3X पोर्टल पर डाला था जिसमें हमारे भारतीय सैनिक जो हमारी रक्षा करते हैं और जिनके वजह से हम लोग यहाँ आज सुरक्षित हालत में हैं, जब वो ड्यूटी पे होते हैं तो वेब सीरीज के माध्यम से बताया गया कि उनकी पत्नी या उनकी जो भी घरवाली है, फ्रेंड है, वो अपने दोस्तों को बुलाकर उस सेना की वर्दी को पहना के उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। इस बात को जब वेब सीरीज पे प्रकाशित किया गया, प्रचारित किया गया और बहुत सारे असंख्य लोगों ने देखा, तो भिन्न भिन्न जिलों में मुकदमा दर्ज हुआ और यहाँ भी बेगूसराय में भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के हमारे शंभू कुमार ने हमारे माध्यम से यह परिवाद दाखिल किया था, जो राजीव कुमार के न्यायालय से होते हुए विकास कुमार के न्यायालय में अंतरित हुआ और उसमें गिरफ्तारी का वारंट पिछली तिथि को मजिस्ट्रेट साहब ने तामिला का एक जो प्रतिवेदन होता है उसका मांग किया था, जो प्रतिवेदन उनको संतोषजनक लगा, जो सम्मन उनके ऑफिस में गया था, एकता कपूर और शोभा कपूर के ऑफिस में वहाँ के कर्मचारी ने रिसीव किया था और उसमें टिप्पणी दी थी कि स्टूडियो में शोभा कपूर उसमें मौजूद नहीं थी, इसीलिए उस तामिला प्रतिवेदन को संतुष्ट करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। मैंने इस मुकदमे की जानकारी एकता कपूर और शोभा कपूर को है? बिल्कुल, और उनके द्वारा मुझे तो ज्ञात हुआ है कि कई लोग रिकॉर्ड का अवलोकन भी किए हैं, उच्च न्यायालय से या उनके जो पैनल अधिवक्ता होंगे वो आते हैं और रिकॉर्ड को देख के फीडबैक करते हैं उनको।